चरण बचे हैं, दो चरण बचे हैं 25 तारीख को, यानी कि कल छठवां चरण होगा और उसके बाद सातवें चरण का मतदान होगा। इस वक्त हम पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, ये सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जो राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे वादे हैं उनमें कितना दम है, यही सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और चाय पर चर्चा के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के बठिंडा में। देखिए, बहुत मशहूर शहर है, आपने जरूर बठिंडा का नाम सुना होगा। और बठिंडा में क्या सियासी समीकरण है, क्योंकि अकाली दल से हरसिमरत कौर लगातार 3 बार से यहाँ सांसद हैं, एक बार फिर चौथी बार वो चुनावी मैदान में हैं। जीत मोहिंदर कांग्रेस पार्टी से हैं और तमाम लोग अलग अलग पार्टियों से यहाँ पर जुटे हैं। आम आदमी पार्टी का कितना होल दिखाई देता है, आम आदमी पार्टी आखिर क्या करने वाली है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का गणित अलग हो जाता है, ये तमाम चीजें समझने और जानने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की। सबसे पहले आप शुभ नाम बताइए अपना। गुरविंदर सिंह माना जी। मान साहब, बठिंडा में हम मौजूद हैं इस वक्त, क्या है बठिंडा का, मतलब समीकरण, बठिंडा के मुद्दे क्या है बठिंडा? देखो जी, इत्थे लोकल इशू है जेडे, वह भारी ने साडे इत्थे। अच्छा, हिंदी में जो हमारे ओके जो हमारे लोकल इशूज है ना, उनके ऊपर लोगों का ज्यादा फोकस है। कैंडिडेट जितने भी है, सभी पार्टियों के बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पूरा सख्त मुकाबला होने वाला है, ऐसी बात नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो। लेकिन मैं देख रहा था, अभी बात कर रहा था दो लोगों के साथ, तो जो इश्यूज हमारे लोकल हैं, जैसे एक अभी नया इशू उठा थोड़े दिनों से, वो गौशाला वाला मसला हर रायपुर में है ना, वहाँ गऊ जो है काफ़ी मर गई हैं, वो इशू काफ़ी इस टाइम पे चल रहा है ना। और लोकल जो डेवलपमेंट के हैं मसले, वो काफ़ी बड़े मसले हैं। जी जी जी, क्या क्या है उनमें, मतलब 3 बार से यहाँ पर सांसद रही हरसिमरत कौर, तो क्या हुआ, कितना विकास, कितना बदला है? बठिंडा तो बदला ही है, बदला बहुत बदला है, बहुत बदला है। क्या जब हम बाहर से आते हैं तब पता चलता है बठिंडा कितना। मैं किसी की फेवर नहीं करने वाला, लेकिन ये है, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अकाली दल ने भी अच्छा काम किया है, अब कांग्रेस काफी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो है, जो आम आदमी पार्टी की बात करें, तो यहाँ से वो भी अच्छे कैंडिडेट है, यहाँ से कुड़िया साहब ना, तो सभी पहले जो सांसद जो थे, इन्होंने अच्छा काम किया बठिंडा में, इनका नाम अच्छा अच्छा सांसद थे हरसिमरत कौर, उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा इनका कहना है। सर, क्या क्या इश्यूज क्या है बठिंडा वालों के, अब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, तो बहुत दूर है नहीं, तो क्या सोच रहे हैं, जब वोट होगा तो मुद्दे क्या रहे? जो पंजाब के मुख्य इश्यूज हैं, सबसे पहले बठिंडा का लगा लो, बेशक पंजाब का सेम इशू है, नशा। जो नशे को लेके बठिंडा में पहले की सरकारों में भी ऐसा रहा कि नशा ना बिकता हो, हम ये नहीं कहते नशा बिकता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि बठिंडा में पोस्टर लगे हों कि नशा इस गली में बिकता है। तो लेकिन इस बार जो हुआ, ये नशा या ऐसे पोस्टर बठिंडा में लगे जिसको रोकने में सरकार, जो पंजाब सरकार थी, नाकाम रही, उसको लेके एक बड़ा मुद्दा जो नौजवानों के लिए है कि एक तो नशे से हम प्रभावित हैं, दूसरा जो नौजवान हमारा विदेश जा रहा है, जहाँ पे बेरोजगारी का इशू है, उसको लेके केंद्र ने बेशक स्किल डेवलपमेंट शुरू किए, उसको हम लोकल लेवल तक पहुंचे, उसके लिए लोगों का सवाल है। ये बेसिक सवाल है, तो केंद्र की योजनाएं यहाँ तक पहुंचती हैं, मैं उसका लाभ? बिल्कुल, केंद्र की योजनाएं जो, जैसे आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, या ऐसी अनेक स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, महिलाओं के लिए है, या जो अपने छोटे रोजगारों के लिए मुद्रा लोन है, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको जन स्तर तक बिल्कुल, जो लास्ट पर्सन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहते हैं, उस तक पहुंचाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, ये बड़ा अहम है, सबकी राय है और सबको लगता है क्या क्या काम हुए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? बैठिए बैठिए बैठिए। विकास जी, मुद्दे क्या हैं? सब अपने अपने हिसाब से मुद्दे बता रहे हैं, अब तो चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो वोटिंग करने जाइएगा तो क्या रहने वाला दिमाग में? वोटिंग अभी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, गौशाला को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख पा रही, 6 महीने से बहुत लोग शोर मचा रहे हैं, अभी गौशाला को ध्यान नहीं है, ठीक है जी, रिंग रोड अभी प्रॉपर नहीं चली है, रिंग रोड चलने के बाद फ्लाईओवर, जो मुल्तानिया वाला फ्लाईओवर को डिमोलिश करके नया बनाया जा रहा है, वो बाद में होना चाहिए था, तो दिक्कत तो है थोड़ी बहुत। हाँ, दिक्कतें हैं और इनको लगता है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। पिछले बार विधानसभा चुनावों में जिस तरह से यहाँ पर हुआ, कैप्टन साहब चले गए बीजेपी के साथ, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना उससे पंजाब में पॉलिटिकल चेंज हुआ है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? पॉलिटिक्स तो पंजाब की बिल्कुल ही बदल गई है जी, पहले तो दो ही धड़े होते थे, अब 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया,
तो इस वजह से भी थोड़ा सा अब कन्फ्यूजन भी है लोगों के माइंड में, क्योंकि चार पार्टियां हैं मेन, तो उसमें से चुनना है, किसको चुनना है, कैसे चुनना है, वो एक है कन्फ्यूजन। पॉलिटिकल बिल्कुल बदल गया है पंजाब का। विधानसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत, प्रचंड जीत ली यहाँ पर, उसके बाद लग रहा है कि लोकसभा में भी वैसा ही होगा या वैसा ही उसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, या लोकसभा के मुद्दे अलग हो जाएंगे, लोकसभा की तमाम रीजंस अलग? ये बात सही है कि लोकसभा के मुद्दे अलग है जी, विधानसभा के अलग रहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोकसभा के हम जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, जो विधानसभा के होते हैं उनमें ज्यादा सर लोकल मुद्दे हैं। लेकिन ये जरूर होता है कि कोई भी इलेक्शन हो तो जो मुद्दा चल रहा होता है लोकल, वो भी सामने आता है, वो सामने आता है, क्योंकि कोई अच्छा काम किया है तो भी आएगा सामने, कोई अच्छा काम जिस सरकार ने नहीं किया वो भी सामने आएगा, क्योंकि लोगों के पास ये अपनी बात रखने का और सरकारों के कान उस वक्त थोड़ा सा खुले होते हैं तो बताने का और उनको सुनाने का एक मौका होता है। वरना ये लोकसभा के चुनाव ये राष्ट्रीय मुद्दों पर ही केंद्रित होने चाहिए। तो जो मुद्दे अभी चल रहे हैं सर, आप लोग तो अब चर्चा खूब होती होगी क्योंकि अब चुनाव बहुत दूर है नहीं, हालांकि 2 महीने करीब चुनाव चल रहा है, लगातार हम कवर कर रहे हैं, तो किन मुद्दों पर बात होती है? बीजेपी कहती है देशहित का चुनाव है, राष्ट्र को सुरक्षित करने का चुनाव है, कांग्रेस कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब एक साथ हैं, हालांकि पंजाब में नहीं है, लेकिन कैसे देख रहे हैं तमाम मुद्दों को आप? मंचों से तो खूब भाषण हो रहे हैं, खूब अलग अलग बातें। देखो सारे सब पार्टियों को अपना हक है अपने मुद्दे रखने का, जो सरकार अपने काम भी गिना रही है कि हमने ये किए हैं, और जो ऑपोजिशन वाले हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये चीजें नहीं हुई हैं, तो दोनों चीजें, कोई भी ऐसा तो कोई भी मुद्दा नहीं होता जिसका एंड हो। विकास है, विकास अगर किया है तो और भी आगे विकास करने की जरूरत है। अगर कुछ मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं, तो वो भी ये है कि ये हर इलेक्शन में होते हैं, तो उनको एक कोई ऐसा दिन तो आएगा नहीं मेरे को लगता कि ये मुद्दा एकदम से खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों को हक है और दोनों अपनी बात कर रहे हैं, इसी तो लोकतंत्र पर्व कहते हैं कि लोगों की बात सुनी जाती है, तो लोग अपनी बातें कहते हैं, लोगों की तकलीफें जो होती हैं उसके हल होने चाहिए, लोगों की तकलीफें हल होनी चाहिए और इसीलिए लोग वोट डालते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।